चलिए, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी क्रांति को देखते हैं हम लोग, 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति जो थी वो क्या थी, इसके क्या कारण हुए और इसका क्या परिणाम हुआ, और 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, और क्या ये सफल हुई तो कितनी सफल हुई, इन सब के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे जब थोड़ा एडवांस कोर्स में आएंगे तो। लेकिन इंटरमीडिएट कोर्स में इसके बारे में बात करेंगे, एडवांस कोर्स में थोड़ा और डीप में जाएंगे। लेकिन ये हमारा प्रिलिमिनरी कोर्स है, यानी कि ये हमारा जो है बहुत बेसिक कोर्स है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 1857 का विद्रोह जो है इलाहाबाद में जो हुआ था, उसके नेतृत्व करता थे मौलवी लियाकत अली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ज़्यादातर सैनिक जो थे वो अवध के थे, इसलिए क्योंकि अवध को जब अंग्रेज़ ने एनेक्स किया यानी अपने हड़प लिया, इसके बाद वहाँ के जो सैनिक थे ना वो सब के सब बेरोज़गार हो गए थे, किसी के पास कोई काम नहीं बचा था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के क्रांतिकारियों में वास्तविक जो रामचंद्र पांडुरंग थे, वो तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया गया था बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती कब आती है, जन्म कब होता है, ये बीपीएससी में जानकारी रहना ही चाहिए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। बख्त खान ही असल में क्रांति कर रहे थे, और नाम के जो थे, क्योंकि उस समय बूढ़े हो गए थे बादशाह और कोई लायक भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो उनके नाम पे दरअसल क्रांति की मशाल जलाई गई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई थी मेरठ में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी और समाधि है इनकी ग्वालियर में। 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था कैप्टन ह्यूरोज को, और कैप्टन ह्यूरोज ने ही बोला था कि इन जो है क्रांतिकारियों में सिर्फ एक ही मर्द है और वह है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 का विद्रोह अवध में किसके नेतृत्व में चला, तो ये चला था बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। असम में 1857 के विद्रोह का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह को देखने वाले तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया राजवंश। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा वर्ग तटस्थ रहा, तो ये रहा था शिक्षित मध्य वर्ग। इनको लगता था कि अंग्रेज सही कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने किस स्थान से नेतृत्व किया था, तो ये किया था कानपुर से। फैजाबाद से किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया, ये किया था मौलवी अहमद शाह ने। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनिट हेडसे। 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉट पामस्टन। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे थे। 1857 की क्रांति को एक षडयंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, ये कहा है वीडी सावरकर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा कथन है आरसी मजूमदार का। देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश साइड के लोग हैं उन्होंने ब्रिटिश का पक्ष लिया है,
और जो भारतीय साइड के लोग हैं जिन्होंने भारतीयों का पक्ष लिया है, लेकिन कुछ लोग तटस्थ रूप से भी कुछ लोगों ने बोला है। तो हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे इंटरमीडिएटरी कोर्स में। महारानी विक्टोरिया ने प्रथम भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग है, तो ये आयोग है पील आयोग। 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा क्षेत्र से, सिख एवं पंजाब व उत्तरी प्रांत से। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। ये कुछ अन्य आंदोलन को भी देख रहे हैं हम लोग। आनंदमत उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का कारण था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कुका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। फ्राईजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। फ्राईजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड जनजाति। 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुधू भगत ने। बघेरा का विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। 1855 ईस्वी में संथाल ने मेजर बारो को हराया था। जो 1855 ईस्वी में संथाल ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। उल गिलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा। किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित प्रथम आदिवासी नेता थे, तो वो थे जोड़ा नाग। कुछ और विद्रोह देख लेते हैं। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, कूका पंजाब में, कोकी त्रिपुरा में, चुआड़ विद्रोह पश्चिम बंगाल में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से।